पिछले कुछ वक्त में जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई स्टार्टअप सामने आए हैं जिन्होंने अपनी सोच से हजारों लोगों का काम आसान कर दिया है। इस क्रम में हल्द्वानी में भी युवा लगातार काम कर रहे हैं। हल्द्वानी के युवाओं ने मिलकर एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसकी मदद से घर बैठे लोग कबाड़ बेच सकते हैं। इसके अलावा ऐप की मदद से मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। स्क्रैपडोर नाम का ये ऐप शहर में इन दिनों डिजिटल कबाड़ वाले के नाम से विख्यात हो रहा है। कबाड़ बेचने के लिए ग्राहक को केवल ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद लोकेशन ऑन करने के साथ ही उसे तमाम विकल्प मिलने लगेंगे। फिर स्क्रैपडोर की टीम ग्राहक से संपर्क करेगी और पिकअप को शेड्यूल किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि मार्केट से ज़्यादा दाम ग्राहकों को देने का दावा स्क्रैपडोर ने किया है। स्क्रैपडोर के फाउंडर लोकेश गुड़वन ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उन्हें यह आइडिया आया क्योंकि लोग घरों में बंद थे। सुरक्षा के लिहाज से लोग घरों में किसी को नहीं आने दे रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने स्क्रैपडोर ऐप पर काम करना शुरू किया जिसे साल 2023 में लॉन्च किया गया है। ये विचार हमें आज से 3-4 साल पहले आया था कोविड के दौरान। उस समय क्या था कि लोग काफ़ी, हर कोई, कोविड एक नई ऐसी बीमारी थी, लोग काफ़ी डरे हुए थे और समझ भी नहीं आते इसमें क्या किया जाए। तो 2-3 महीने तक जैसे कोविड में सब लॉकडाउन रहा, सब लोग बंद रहे, अपने अपने घरों से बाहर नहीं जाते थे, तो इसमें काफ़ी लोगों के घर में कबाड़ इकट्ठा हो गया था और उसको कोई पिक भी नहीं करने आता था और जो बाकी कबाड़ी थे लोग उनको देने से भी डरते थे। तो उस समय में आइडिया आया कि क्यों ना कोई एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसके थ्रू हम लोगों के घर से कबाड़ इसको बाहर ले जा सके, निकाल सके और उसको रिसाइकिल कर सके। इस ऐप के माध्यम से फर्स्ट तो हम स्क्रैप सारा पिक करते हैं और साथ साथ हमने एक वॉलेट भी इसमें बनाया हुआ है जिस वॉलेट से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अपना टीवी रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं और भी पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, और उसमें भी काफ़ी अच्छे कैशबैक ऑफर्स हैं। मार्केट प्राइस हमने एक सर्वे किया था, उसमें जो मार्केट करंट प्राइस रहता है हमारे प्राइस उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग किस तरीके के उपाय? ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस हमारे ऐप में कम है क्योंकि जब कस्टमर वन टाइम रजिस्टर्ड कर देता है तो उसकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी ऐप में सारा आ जाता है, उसका नाम, उसका एड्रेस, लोकेशन, ये सब चीज़ें हमारे ऐप में आ जाती है, तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं क्योंकि हमें सोर्स पता चल जाता है जहाँ से हम ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं। प्लेस लाइक कभी भी आप प्लेस कर सकते हो, रात के 12 बजे, 3 बजे, सुबह कभी भी, लेकिन हम लोग कब अप्रोच करते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक वी आर लाइक अवेलेबल। तो हम लोग सुबह 8 बजे इंक्वायरीज को कॉल करते हैं और फिर उसके बाद उनका टाइम स्केड्यूल हम लोग मांग लेते हैं कि किस टाइम पे वो अवेलेबल है। उस टाइम पिकअप टीम जाता है एंड दे पिकअप द स्क्रैप और फिर उसके बाद हम लोग उनसे फीडबैक के लिए एक और कॉल करते हैं। फिक्स नहीं कर रहा है, आप 1 किलो से लेके 1 टन तक स्क्रैप कुछ भी बेच सकते हैं। इनिशियली थोड़ा एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कबाड़ इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लोग इसके लिए ऐप डाउनलोड करके अपना ड्यूरेशन, यू नो, किस टाइम पे वो अवेलेबल है वो करेंगे, लेकिन उनको कन्विंस करना हमारा काम है तो हम लोग उनको कन्विंस करें। अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, लोग खुश हैं हमारी सर्विसेज से। तो अभी हमारे पास मेटल है, प्लास्टिक है, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एज वेल,